सांसद जी, जो आज उद्घाटन किया गया है, कितने ये कैसे इसका लाभ मिलेगा? जैसे कि पिछले दिनों आप सभी भली भांति जानते हैं कि कोरोना का प्रकोप पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़े स्तर पर इसका प्रकोप देखने को मिला। पिछली बार की जो दूसरी लहर आई थी, तो दूसरी लहर में ऑक्सीजन की बड़ी समस्या बनी है। हालांकि सरकार ने पूरे संसाधनों के तहत ऑक्सीजन की पूर्ति करने का पूरा अथक प्रयास अपना किया है, क्योंकि समस्या थोड़ी ये भी आई कि ऑक्सीजन प्लांटों की उस समय कमी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात की चिंता करने का काम किया है। जैसे कि आशंका व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर के आने की जो चर्चाएं, जो आशंका व्यक्त की जा रही है, उस आशंका से बचने के लिए किसी प्रकार का ऑक्सीजन से संबंधित कोई समस्या पैदा ना हो, उसकी कोई कमी देखने को न मिले, उसी के निमित्त प्रधानमंत्री केयर फंड के माध्यम से, सांसद निधि, विधायक निधि और अन्य संसाधनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना करने का कार्य किया गया है और उसी का आज ही उद्घाटन होने जा रहा है। कितनी कैपेसिटी है इसकी, कितने लोगों को ये? ये 1000 की कैपेसिटी का है और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में इसका लाभ मिलेगा। और यही नहीं, इसके अलावा दूसरे CSC PSC पर भी इस प्रकार के ऑक्सीजन के प्लांटों की स्थापना की जा रही है। सर, जिस तरीके से इन चीज़ों की स्थापना की जा रही, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस में तो ऑक्सीजन के प्लांट, जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए जाते हैं, वो बिल्कुल बेकार पाए जाते हैं मौके पर। कहीं कहीं हो सकता है ऐसी कोई समस्या बिल्कुल जेन्युइन हो सकती है, कभी इसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ऐसी की जो कमी भी देखने को मिलती है, उसमें सुधार देखने को मिलेगा।